आईपीएल 2024 प्रैक्टिस के दौरान रिंकू सिंह के दमदार शॉट से बच्चे को लगी चोट, बच्चे से मांगी माफी। आईपीएल 2023 में 26 वर्षीय खिलाड़ी का प्रदर्शन काफी शानदार रहा, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता काफी वृद्धि हुई। इसी के दम पर उन्हें भारत की T20 टीम में भी जगह मिली, जिसमें उन्होंने 15 मुकाबले में बतौर फिनिशर 356 रन बनाए। इसमें से उनके नाम दो अर्धशतक भी दर्ज हैं। वहीं उनका उच्चतम स्कोर 69 रन का रहा। आईपीएल 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह भी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। पिछले सीजन की तरह आगामी टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। इस बीच KKR ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रिंकू सिंह की मानवीयता रूप से देखने को मिल रही है। मैच प्रैक्टिस के दौरान रिंकू के बल्ले से एक बच्चा घायल हो गया। KKR के प्रैक्टिस कैंप में बल्लेबाजी कर रहे रिंकू सिंह ने जोरदार छक्का लगाया, जिसके बाद गेंद सीधा एक बच्चे के सिर पर जाकर लगी। हालांकि बच्चे को ज्यादा चोट नहीं आई। मैदान के बाद रिंकू ने मासूम बच्चे को बुलाकर उससे माफी मांगी और वहीं उसे एक ट्रॉफी भी दी, जिस पर उन्होंने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। रिंकू के इस उदार फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने बच्चे को अपना ऑटोग्राफ भी दिया। T20 विश्व कप में 2024 में रिंकू सिंह का चयन तय माना जा रहा है। इससे पहले उनके पास खुद को साबित करने का मौका IPL में है। अगर वह आगामी टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से चमत्कार कर देते हैं तो निश्चित से उन्हें T20 विश्व कप में जगह मिल सकती है। इस टूर्नामेंट का आगमन 1 जून से होगा, जबकि भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से ही कर लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह क्या आपका फेवरेट है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।